कौन थे प्रद्युम्न कुमार, कैसे बने महामुनिराज, किस प्रकार प्राप्त किया सातवें भव में प्रबल पुण्य, और कैसे मिली प्रद्युम्न कुमार को गिरनार सिद्ध क्षेत्र से मुक्ति, जानिए आचार्य श्री सोम कीर्ति जी द्वारा रचित आत्मा की अनंत शक्ति का वर्णन करने वाले प्रद्युम्न चरित्र ग्रंथ का मर्म श्री गौरव अठवर्षिया जी के साथ। देखिए प्रतिदिन शाम 4:20 पर सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज, प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनिश्री 108 अनुमान सागर जी महाराज, प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल, नमनकर्ता नानाजी स्वर्गीय श्री उमा शंकर जैन गाजियाबाद वाले। हम सभी लोग प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो आचार्य सोम कीर्ति जी महाराज द्वारा रचित है। इसी श्रृंखला में हम लोग आज अगली क्लास अपनी प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो इस ग्रंथ में मंगलाचरण लिखा है उसका हम वाचन करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोगा प्रक्षालित सकल भूतल मंतलंगा मुनि रूपासित तीर्था सरस्वती हरतो नो दुरितान। अज्ञान तिमिराधानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मं संवर्धकं भव्यजीवनः प्रति बोधकारमिदं शास्त्रं श्री प्रद्युम्न कुमार चरित्र नाम धेयं। एतन्मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास्तेषां वचनानुसार मासाध्य पूज्य भट्टारक श्री सोम कीर्ति आचार्येण विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शाश्वतम्। देवी नैमनाथ भगवान की जय। जैसा कि कक्षा में आपको बताया था कि प्रद्युम्न कुमार श्री कृष्ण नारायण के पुत्र थे और उनके काल में जो तीर्थंकर हुए वो नैमनाथ भगवान थे। तो ऐसे नैमनाथ भगवान को हम लोग नमोस्तु करते हुए हम आगे का स्वाध्याय आज करेंगे। थोड़ा सा जो कल की कक्षा में बताया था एक बार जल्दी से उसको उन्हें याद कर लेते हैं। भगवान महावीर का समूह शरण लगा है विपुलाचल पर्वत पर राजगिरी नगरी में, और वहां के राजा कौन है? राजा श्रेयांश। उनकी रानी कौन है? उनकी रानी है छेलना। राजा श्रेणिक और रानी छेलना राजगुरु नगर के राजा हैं। भगवान महावीर का वहां पर समूसरण लगा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जब भगवान महावीर का वहां समूसरण लगा
तो समूह शरण की महिमा कल बताई थी कि सारी ऋतुओं के पुष्प और फल उस नगरी में व्याप्त हो जाते हैं। और राजगिरी नगर कहाँ है? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप के अंदर कहाँ है? भरत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र के अंदर कहाँ है? उसका जो दक्षिण भाग है भरत क्षेत्र। और भरत क्षेत्र में क्या होता है? तीर्थंकरों के पंच कल्याणक होते हैं। तो ऐसी सत्पुरुषों की नगरी ऐसा भरत क्षेत्र, वहां पर अति सुंदर नगरी राजगिरी नगरी, और उस पर विपुलाचल पर्वत, वहां पर भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण आया है। और जब ऐसे उद्यानों के पुष्प और फल अचानक से सारी ऋतुओं के एक साथ आ जाते हैं, तो वहां का माली आश्चर्यचकित हो जाता है। और जब वो भगवान का समूह शरण देखता है तो उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती। माली ने राजोद्यान में एक संग खिलाए सभी ऋतुओं के सुगंधित पुष्प तोड़े, तथा उन्हें लेकर वह राजा श्रेणी की सभा में गया। अभी तक राजा श्रेणी को पता नहीं है कि भगवान महावीर का समूह शरण आया है। सारी ऋतुओं के पुष्प जब एक साथ लगे तो माली वहां से उनको तोड़ करके राजा श्रेणी के दरबार में जाता है। उसने महाराज को पुष्प भेंट किए तथा प्रार्थना पूर्वक निवेदन किया, हे राजन, हमारे नगर के निकट विपुलाचल पर्वत पर केवल ज्ञान के धारक चरम तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी का आगमन हुआ है। तो माली ने क्या बताया कि हमारा जो विपुलाचल पर्वत है राजगिरी के निकट, वहां पर भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण आया है। उससे पूर्व की घटना आपको कल बताई थी कि किस प्रकार से राजा श्रेणिक ने अपने इसी भव में कुछ गलती करी, जब उसको बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था, अनजाने में गलती करी और रुक्मिणी महाराज के गले में एक सांप मार के डाल दिया। परंतु जब उसे बाद में अपनी गलती का बोध आया तो उसने उसके लिए पश्चाताप किया, है ना, और पूरी तरह से जिन धर्म में आस्था रखने वाला बन गया। अब वो सभी तीर्थंकरों को मानने लग गया, सभी मुनि महाराजों के वर्णन करने लग गया, उनके दर्शन करने लग गया। तो उसके बाद की ये घटना है कि जब वो सभी तीर्थंकरों में श्रद्धान करने लग गया, तब जाकर के माली ने राजा श्रेणिक को बताया कि हे प्रभु, हमारे नगर के निकट विपुलाचल पर्वत पर तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी का आगमन हुआ है। तीर्थंकर जब बन जाते हैं तो उनको चार प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, है ना, आठ प्रकार के ज्ञान होते हैं, जिसमें चार प्रकार का उनको घातीय कर्मों का नाश हो जाता है। चार प्रकार का कर्मों का नाश हो जाता है, ज्ञान तो केवल ज्ञानी होता है, केवल चार प्रकार के कर्मों का नाश होने से उनको क्या हो जाता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसको केवल ज्ञान क्यों बोला? केवल किस लिए बोलते हैं? केवल शब्द का प्रयोग, केवल का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? ओनली। ओनली माने केवल एक चीज, है ना, एक ज्ञान हो जाता है। जब केवल ज्ञान किसी जीव को हो जाता है तो बाकी के जो अन्य ज्ञान है, मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान, इन सब की आवश्यकता नहीं रहती। वह जीव अपनी आत्मा से इस पूरे संसार के समस्त पदार्थों को, समस्त द्रव्यों को, उसकी समस्त पर्यायों को, भूत भविष्य वर्तमान एक साथ जानता है। तो केवल एक ही ज्ञान होता है, उस ज्ञान में सारे की सारे संसार जीव एक साथ झलकते हैं। तो इसलिए उस ज्ञान को क्या बोला? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान प्राप्त करते ही वह जीव अरिहंत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, और उसको हम भगवान भी कहते हैं। उनका मोक्ष कंफर्म हो जाता है कि बाकी के चार जो कर्म रह गए हैं उनका और समय के अनुसार नाश हो जाएगा और वो मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे। तो शुरू के जो चार कर्म हैं उनको घातीय कर्म बोलते हैं, बाद के चारों को अघातीय। तो चार कर्मों का नाश करते ही वो अरिहंत बन जाते हैं। तो ऐसे अरिहंत भगवान, ऐसे तीर्थंकर भगवान, अब इनको तीर्थंकर क्यों बोला? क्योंकि इनके कल्याणक होते हैं। दो तरह के
अरिहंत भगवान होते हैं, एक तीर्थंकर पद के धारी और एक आम के ही। जैसे भगवान राम हुए, भगवान बाहुबली हुए, ये जिनका हम चरित्र पढ़ रहे हैं, प्रद्युम्न हुए, ये तीर्थंकर नहीं थे। भरत चक्रवर्ती हुए, हनुमान हुए, लवकुश हुए, ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हमारे ग्रंथों में आते हैं जो अरिहंत तो होते हैं परंतु तीर्थंकर नहीं होते। तीर्थंकरों के पांच कल्याण इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड की अपेक्षा से होते हैं। विदेह क्षेत्र में भी कुछ तीर्थंकर होते हैं, उनके लिए आवश्यक नहीं है कि उनके पांचों की पांचों कल्याण हो गए। तो ऐसा भी विधान शास्त्रों में आया है, उसकी भी चर्चा आगे आगे जैसे जैसे स्वाध्याय में हम आगे बढ़ेंगे वो भी उदाहरण आएंगे। तो तीर्थंकर वर्धमान स्वामी, तो इनके तीर्थंकर कब बने? जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, यानी कि चार कल्याणक हो चुके हैं। अब माली उन्हें बता रहा है कि भगवान महावीर आए हैं, उनकी कृपा से आपकी आयु में वृद्धि हो एवं आप सर्वगुण संपन्न बने। तीर्थंकर भगवान के आगमन का सुसंवाद सुनते ही राजा श्रेणी सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया तथा उसने 7 कदम सम्मुख चलकर भगवान को प्रणाम किया। अपने सिंहासन से ही उठा और नमस्कार करने के लिए 7 कदम आगे बढ़ा और उसके बाद नमस्कार किया वहीं अपने स्थान से। ऐसे ही जब सौदर्भ इंद्र होता है, जब भगवान का जन्म इत्यादि होता है, तो वो भी 7 कदम चल के वहां से नमस्कार करते हैं। ऐसे तब कल्याणक जब भगवान का होता है, जब वो दीक्षा को प्राप्त करते हैं, तो बहुत सारे देव जो इस धरती पर दर्शन के लिए नहीं आ सकते, ब्रह्म स्वर्ग के देव हैं, 16 स्वर्ग से ऊपर के देव हैं, वो भी क्या करते हैं? 7 कदम आगे चल करके भगवान को अपने अपने स्थान से ही नमस्कार करते हैं। तो ऐसे ही राजा श्रेणिक ने क्या किया, अपने स्थान से आगे बढ़ करके 7 कदम आगे चलकर सबसे पहले वहीं से नमस्कार किया। सत्य है परोक्ष का विनय ही सज्जनों का लक्षण होता है। जो चीज सामने नहीं है, एक प्रत्यक्ष होता है और एक परोक्ष होता है, तो हम अपने भावों से ही उनको नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार से जैसे हम जिन मंदिर में प्रत्येक दिन हम प्रतिमा जी का अभिषेक शांतिधार इत्यादि करते हैं, पूजन करते हैं, वो भी कैसे करते हैं? हम परोक्ष से एक तरह से करते हैं, भगवान की प्रतिमा का वंदन करते हैं, मन में क्या भाव करते हैं कि हे प्रभु, जैसे आपने अरिहंत पद को प्राप्त किया ऐसे ही हमारे भी गुणों का नाश हो, हम भी ऐसे पद को प्राप्त करें। हम सिद्धों की वंदना करते हैं, यहाँ पर तो सिद्ध भगवान नहीं है, यहाँ पर तो अभी अरिहंत भगवान भी नहीं है, परंतु प्रतिमा के माध्यम से हम जो नमस्कार करते हैं, हम उनको जहाँ पर उनकी आत्मा विराजमान है सिद्ध शिला पर, उनको हम यहीं से वंदन करते हैं। तो यही कहा, परोक्ष का विनय ही सज्जनों का लक्षण होता है कि उनमें हमें विनय रखना चाहिए। राजा श्रेणिक ने अपने धारण किए हुए 16 प्रकार के वस्त्र आभूषण उतार कर माली को पुरस्कार में दिए। जब भी किसी राजा को कोई अच्छी खबर मिलती है तो क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ जिसने खबर दी है तो उसको कुछ इनाम में गिफ्ट देते हैं। तो ऐसे ही माली ने इतनी अच्छी खबर ला करके दी, इतनी अच्छी न्यूज दी कि भगवान का समूसरण आया है, तो तुरंत राजा श्रेणिक ने क्या किया कि जो भी आभूषण उन्होंने पहने हुए थे 16 प्रकार के आभूषण उतार को माली को दान में दे दिए, पुरस्कार में दे दिए। तत्पश्चात आनंद भरी बजवा कर नागरिकों को एकत्रित कर परिवार के साथ भगवान की वंदना के लिए चला। अब राजा है, अकेले तो नहीं जाएगा, सारे के सारे नगर को आमंत्रित किया, सारे नगर के जितने नागरिक थे आनंद भेरी बजवाई, ढोल नगारे बजवाए कि भगवान का समूसरण आया है, चलो विपलाचल पर्वत पर हम सब मिलकर के चलेंगे। और इनकी राजा श्रेणी का जो परिवार था, रानी चीनी इत्यादि, उन सबको साथ में लेकर भगवान के दर्शन के लिए चल पड़ा। जिस समय राजा श्रेणी को समवसरण दृष्टि गोचर हुआ तो वह गजराज से उतर पड़ा तथा अपने राजवेश का परित्याग
कर दिया। देखिए समोसरण की कितनी महिमा है कि भगवान के समोसरण मात्र को देखकर ही दूर से जब देखा कि आकाश में इस प्रकार से समोसरण लगा हुआ है, तो जो हाथी पर वो बैठा था हाथी से उतर गया और वो राजवेश था, जो वस्त्र आभूषण इत्यादि उनकी राज पोशाक होती है उसको उतार करके सिंपल साधारण वेशभूषा में ही वह भगवान के समोसरण में पैदल पैदल करके आगे बढ़ा। कितनी महिमा है कि अपना सारा घमंड मान सम्मान और गजराज यानी कि हाथी सब छोड़ दिया, समोसरण में पहुंचते ही मान स्तंभ के प्रभाव से उसका समस्त गर्व चूर्ण हो गया। समोसरण में क्या होते हैं, बहुत विशाल योजनों लंबे मान स्तंभ होते हैं। उनका नाम भी मान स्तंभ इसीलिए रखा जाता है कि उसको देखते ही जिन लोगों में किसी भी प्रकार का कोई घमंड है मान है तो वो चूर चूर हो जाता है कि इतने विशाल मान स्तंभ उसमें इतनी रत्नमयी प्रतिमाएं ये सब यहाँ पर समोसरण में बनी हुई है, तो भगवान के ज्ञान के आगे फिर हम क्या चीज है जो हम इतना धन वैभव प्रजा और सारी संपत्ति को लेकर के इतना मान रखे हुए हैं घमंड रखे हुए, तो सब चूर चूर हो जाता है। तो ऐसे ही समस्त गर्व उसका चूर्ण हो गया, उसके हृदय में अपूर्व भक्ति उत्पन्न हुई, ऐसी भक्ति पहले कभी नहीं थी। अब जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं तो बहुत सारी भक्ति होती है क्योंकि हम पिछले अपने ज्ञान से जो गुरुओं ने बताया है जो स्वाध्याय किया है थोड़ा बहुत, या हमारे जो मुनि इत्यादि या विद्वान लोग या गृहस्थ लोग हमारे परिवार के लोग हमें बताते हैं कि भाई यहाँ जा करके हमें इस प्रकार से व्यवहार करना है, हमें ऐसे ऐसे भगवान की भक्ति करनी है, ऐसे है ना अपूर्व भक्ति के साथ में सिद्धांत के साथ जाना है। परंतु आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि यदि साक्षात यहाँ पर भगवान महावीर आ जाए, साक्षात आदिनाथ भगवान सामने बैठे हो तो फिर क्या होगा। यहाँ तो प्रतिमा जी है तो इसलिए कई लोगों के भाव बनते हैं कई लोगों के नहीं बनते, कई लोग अभिषेक इत्यादि करते हैं पूजन करते हैं वहां आके ध्यान लगाते हैं मंदिर में बैठते हैं, कई लोगों के भाव ही नहीं बनते। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, पूर्व भव का ज्ञान नहीं है या इस भव में ऐसी बातें उन्होंने कभी नहीं सुनी, कभी ऐसा निमित्त नहीं बना। परंतु यदि साक्षात आ जाए भगवान महावीर आपके नगर में आपके क्षेत्र में आपके गांव में आपके मोहल्ले में, तब क्या होगा? तब ना चाहकर भी आपके भाव अगर थोड़ा सा भी निमित्त बन गया तो ऐसे आश्चर्यजनक भाव बन जाएंगे कि फिर वो जीव पीछे हटके नहीं जाएगा। तो ऐसे ही ये जो श्रेणी थे पहले से उसके भाव थे तभी तो गया, और उसके बाद उसके भावों में इतने अपूर्व परिवर्तन हुए कि फिर उसकी कोई सीमा नहीं है। फिर वो धीरे धीरे करके समोसरण की सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर तक पहुंचता है और उसने भगवान महावीर स्वामी की कर बद्ध होकर, कर यानी कि हाथों को बद्ध यानी कि जैसे हम नमस्कार करते हैं, तीन प्रदक्षिणाएं दी तथा प्रसन्नता पूर्वक निम्न प्रकार से स्तवन किया। मंगल आशीर्वाद एवं पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज, प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज, प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल, नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमा शंकर जैन गाजियाबाद वाले।